तो मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। रमेश शिंदे साहब हैं, आवाज उनकी थोड़ी गड़बड़ आ रही है, कोशिश करूंगा ठीक करने की। इलियास शराफुद्दीन साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं मौलाना साहब के। A few moments later, क्या सोचना है जो वहाबिज्म, जो कट्टरपंथ भारत के मुसलमानों में भरता जा रहा है, क्यों भरा जा रहा है, सुनिए मौलाना साहब की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इलियास भाई के पास, इलियास भाई बताइए, मौलाना साहब अल्लाह के वली है? मौलाना साहब कुरान हदीस की बात करने वाला और हर मुसलमान कुरान हदीस की बात करने वाला अल्लाह का दोस्त है, वली दोस्त को बोलते हैं, और संगियों को नंगा करने वाला अल्लाह का वली है आज की तारीख में, जो अल्लाह का दोस्त है, सच को सच झूठ को झूठ बोलने वाला। ठीक है, आरएसएस का, ठीक है, समझ लिया इलियास भाई, समझ लिया आपकी बात, मुफ्ती मजाक काशी, अल्लाह के वली है मौलाना साहब। और ये जो अशरफी है ना चौरसिया, अशरफी नंबर वन का दर्जा पुजारी। देखिए दीपक भाई, मैं आपको आपके शो में पहले भी, नाज़रीन बताइए, जवाब दीजिए। नाज़रीन तो नाताशा डिग्री मेरे को आरएसएस की दलाल, अशरफी नंबर वन का आरएसएस का पिल्ला है, और ये खास में भी नंबर वन का आरामी है, ईमान बेचती है लोग, नाताशा डिग्री आरएसएस की दलाल। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, किस तरह वो जेल में, आप जैसे मुसलमान यजीद के रूप में है, यजीद यजीद ही जो था, जो यजीद भी मुसलमान ही था, जो पैगंबर के खानदान का कत्ल किया था। मैं माफ कीजिएगा इलियास, इलियास जी, इलियास जी, अब हद हो गई, अब आप हद हो गई, अब आप हद हो गई, इलियास जी, इलियास जी सुनिए, इलियास जी, इलियास जी, इलियास जी, देश देख रहा है आप किस तरह से गालियां दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप एक महिला के लिए नेशनल टेलीविजन पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माफी मांगिए। काटिए इनको, काटिए इनको, ये नेशनल टेलीविजन पर लाने लायक नहीं है। इलियास शराफुद्दीन, आपकी इस बेशर्म बेतुकी बातें जो रमजान के महीने में हुई है, मैं कहता हूँ मेरे किसी टेल, मैं यहाँ पर गालियों को वेलकम करता हूँ, पर इलियास शराफुद्दीन आज से आप मेरे टेलीविजन चैनल पर नहीं आएंगे। A few moments later. हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर है, अंबर जैदी है, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुफ्ती वजाहत कासमी है, ये खुद एक इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ इलियास शराफुद्दीन साहब हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।